आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग पेज मेकर से टेक्स्ट को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में। सिर्फ टेक्स्ट को ही अगर एक्सपोर्ट करना है पेज मेकर में तो सिंपल तरीका है। तो चलिए देखते हैं कैसे टेक्स्ट को ही एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस टेक्स्ट के लाइन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसे मैं टेक्स्ट के रूप में इसे एक्सपोर्ट करूँ, और हो सकता है आप उसे .txt फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या .rtf फाइल में भी आप टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इन जो लाइंस हैं इनमें से मुझे मान लेते हैं 4 लाइन को ही एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए हम लोग ये टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है टाइप टूल, जिसे हम लोग टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब जिन टेक्स्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सपोज़ मैं ये 4 लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर पेजेस और अदर डॉक्यूमेंट तक मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये 4 लाइनों को मुझे एक्सपोर्ट करना है। ये जो लाइन है सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट के सब मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो इस तरह से देख सकते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब जिस जगह आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी फोल्डर में एक्सपोर्ट करना है या किसी ड्राइव में, आप यहाँ से वो डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक डेस्कटॉप सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं या फाइल नेम, जैसे यहाँ पे फ्रॉम पेज मेकर कर देते हैं, कर दिया। देखिए फ्रॉम पेज मेकर नाम दे दिया और सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आप यह तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे RFT जो बताया मैंने इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट ओनली ही रखता हूँ और यहाँ पे देखिए ये रेडियो बटन ऑन रहना चाहिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली ये वाला। अब यहाँ पे सेव में मैं क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ वाकई में जो टेक्स्ट, ये जो 4 लाइन है जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये जो टेक्स्ट है ये सेव हुआ है कि नहीं, एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेज मेकर खुला हुआ है इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं, इससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं और अपने डेस्कटॉप पे चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रॉम पेज मेकर जो नाम दिया था यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके देखते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन विथ पे क्लिक किया, यहाँ पे नोट पैड से मैं इसको ओपन करता हूँ इसे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड द आइटम दैट आर डिज़ाइन, ये देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटर कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ तक लिस्ट कवर पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट, देखिए ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी जो टेक्स्ट वहाँ पे था पेज मेकर में, सेम टू सेम ये सारे टेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये सिंपल तरीका था कि कैसे हम लोग पेज मेकर से सिर्फ टेक्स्ट को ही कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।